दोस्तों बिजनेसमैन बोलते हैं वर्क फॉर मी और ये शख्स बोलता है वर्क विद मी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड ऑफ अ बिजनेसमैन एंड एन एंटरप्रेन्योर। दोस्तों मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग बोलते हैं कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, वो सपोर्ट नहीं था, इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए। पर आज जिस शख्स की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका सक्सेस उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा है जिनके फेलियर का रीजन वो खुद के बैकग्राउंड को बताते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड रीजन नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है खुद का बैकग्राउंड खुद बनाने की। दोस्तों आज की कहानी ऐसे बंदे की है जिसके बिजनेस करियर की शुरुआत बचपन में रास्ते पर मुखवास बेचने से हुई और कई मुसीबतों की सीढ़ियां चढ़कर ये बंदा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्राइड ग्रुप के ओनर, फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर सुधेंदु शाह की। सुधेंदु उन यंग एंटरप्रेनर्स में से एक है जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इतनी कम उम्र में उन्हें टाइम्स मैन ऑफ द ईयर, इंडिया आइकॉन, इंडिया अचीवर अवार्ड्स ऐसे कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ तक कि फोर्ब्स मैगजीन ने भी उनकी स्टोरी को कवर किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1 BHK से शुरू हुआ उनका ये एम्पायर आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। प्राइड ग्रुप के सीईओ होने के साथ साथ वो अल्शिबिल सर्विसेज LLC दुबई और प्राइड ग्रुप LLC USA के मैनेजिंग डायरेक्टर है और कई अलग अलग डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं। इनके बिजनेसेस कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, गारमेंट्स, बिजनेस कंसल्टेंसी एंड मैनी मोर। पर दोस्तों जीरो से हीरो तक की इनकी ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। सुधेंदु शाह का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था जहाँ महीने के पहले तारीख में आने वाले पैसों से इनका गुजारा चलता था। लेकिन इस शख्स में बचपन से ही कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून था, लाइक नेवर सेटल फॉर लेस वाला एटीट्यूड इनके अंदर हमेशा से था। सुधेंदु बचपन से ही प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करते थे। उनके गांव में जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वहाँ सिर्फ एक ही क्लासरूम हुआ करता था जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसीलिए अपने आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे शिफ्ट हो गए। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ सुधेंदु ने फुटबॉल में भी खुद को मास्टर बनाया और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया और अपने इसी स्किल के बेस पर इतनी कम उम्र में खुद की 4 फुटबॉल कोचिंग अकेडमी भी ओपन कर दी जहाँ ये 12th का बच्चा खुद दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग देता था। और इन्हीं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से इनका बिजनेस माइंडसेट और ज़्यादा ब्रॉड होता चला गया। दोस्तों किसी भी फील्ड में पॉजिटिव एटीट्यूड और पेशेंस, इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सुधेंदु ने बहुत ही कम उम्र में अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप कर ली थी। इसका एक दिलचस्प किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बात तब की है जब सुधेंदु अपने सोसाइटी में छोटे लेवल पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तब उनके दोस्तों ने कहा कि सुधेंदु तुम इसको न्यूज़पेपर में प्रमोट करो। सुधेंदु को लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई और उन्होंने एक एजेंसी को कॉल किया और अपने इवेंट के बारे में बताया और उनके उस छोटे से इवेंट को न्यूज़पेपर ने कवर किया। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद उन्हें एक कॉल आया और सामने वाले बंदे ने कहा कि एक इवेंट प्लान करना है, मिलने आ जाओ। सुधेंदु उनसे मिलने चले गए और वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो आइनॉक्स थिएटर के एनिवर्सरी का इवेंट था। इवेंट काफी बड़ा था, इससे पहले उन्होंने कभी इतना बड़ा इवेंट हैंडल नहीं किया था और ना ही कभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आई थी। सुधेंदु ने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया और सक्सेसफुली इस इवेंट को कंप्लीट भी किया और इसी ब्रेक से प्राइड ग्रुप के इवेंट मैनेजमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई और आज प्राइड ग्रुप वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंट मैनेजमेंट फर्म है। सुधेंदु हमेशा कहते हैं नेवर से नो टू अपॉर्चुनिटी बिकॉज अपॉर्चुनिटी इज द की टू सक्सेस। दोस्तों विनर्स कोई अलग चीज नहीं करते, वो बस हर चीज को अलग तरीके से करना जानते हैं। सुधेंदु कहते हैं अगर आप कोई भी काम डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ करते हो और अपना 100% देने की तैयारी रखते हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने अपने नए बिजनेस को संभालते संभालते ड्यूअल मास्टर्स एंड ड्यूअल पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। दोस्तों प्राइड ग्रुप का आज तक का रिकॉर्ड है, इन्होंने ना ही अब तक कभी फैमिली फंडिंग उठाई है और ना ही कभी बैंक से लोन लिया है। इसके बावजूद अपने कंपनी को मल्टीनेशनल लेवल तक ग्रो करना इज नॉट एन ईजी थिंग। सुधेंदु कहते हैं आपके जर्नी में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका भरोसा तोड़ेंगे, आपके साथ चीट करेंगे, पर ऐसे गलत सोच वाले ये लोग कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ऐसे लोगों से ज्यादा अपने गोल्स पे फोकस करो और उनको जवाब अपने सक्सेस से दो और आप जो भी काम करो वो एथिक्स के साथ करो। आजकल कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले लोग सोचते हैं कि एटलीस्ट 8 से 10 महीने का कैपिटल अपने पास हो, पर सुधेंदु ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी उस वक्त उनके पास 1 महीने का रेंट पे करने का भी पैसा नहीं था। ये बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुश्किलें सिर्फ आपके लाइफ में नहीं है, मुश्किलें इनके लाइफ में भी थी, फिर भी इन्होंने कर दिखाया और आप भी कर सकते हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में स्ट्रगल करने वाले हर एक के लिए सुधेंदु शाह एक इंस्पिरेशन है। सुधेंदु हमेशा कहते हैं आप कोई भी काम करो पर उस काम को डेडिकेशन और एथिक्स के साथ करो और जहां भी जाओ हमेशा अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खटखटाओ, सक्सेस आपसे दूर रह ही नहीं सकता। दोस्तों आपको इनकी कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप आगे भी रियल लाइफ रैक्स टू रिचेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।